Hey guys, what's up? Welcome back to another GTA 5 mods video. और guys, आज की इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल तो यार मैं बहुत ही बुरी तरीके से गिर गया हूँ, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज के यार इस वाली वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि guys यार इस वाली वीडियो में अपन लोग टेस्ट करने वाले हैं ये जो सामने की तरफ आप लोग गाड़ी देख पा रहे हो, इस गाड़ी का। फिलहाल तो guys यार ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम है ट्विजी और ये आती है रेनॉल्ट की तरफ से, जो कि यार देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। और पीछे की साइड आप लोग रेनॉल्ट और आगे की साइड यार भी आप लोग रेनॉल्ट का लोगो देख पा रहे हो। और बाकी तो यार गाड़ी का इंटीरियर उतना कुछ खास नहीं है, बट यार इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये गाड़ी यार बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। और साथ में गाइस यार ये जो गाड़ी है, ये एक बंदे की कैपेसिटी के साथ साथ इसके अंदर यार जो मतलब स्पीड है, इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा हुआ है। और साथ में यार इसकी स्पीड बहुत ही तगड़ी है। और उससे भी तगड़ी बात ये है कि गाइस यार ये जो गाड़ी है पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, इस पर यार किसी भी बुलेट का कोई सा भी असर नहीं होता। और साथ में गाइस यार आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा पावरफुल ये वाली गाड़ी है, बस यार इसमें वेपन्स लगवा दिए जाए तो ये गाड़ी बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। तो गाइस यार यहाँ पर इस गाड़ी का टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आए हैं अपन लोग फिलहाल रैंप पर। और गाइस यार रैंप के बारे में तो आप लोगों को तो पता ही होगा यार, रैंप कितना ज़्यादा ऊँचा रैंप है ये वाला। ये लॉस सैंटोस की सबसे ऊँची बिल्डिंग मेज बैंक से सबसे ऊँचा रैंप है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और भाई साहब जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। और गाइस यार फिलहाल ये टाइम है इस गाड़ी को टेस्ट करने का। एक काम करते हैं यार, एक बार बिना बूस्ट के और उसके बाद यार बूस्ट के साथ टेस्ट करेंगे। फिलहाल तो गाइस यार आप लोग देख पा रहे हो फिलहाल ये है मेरा टेस्ट बिना बूस्ट के, थोड़ा सा हल्का सा बूस्ट दे दिया था मैंने, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर यार 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने जंप लगाई है, और जो यार मेरी जंप है वो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा तगड़ी हुई है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुई है। मतलब कि गाइस यार यहाँ पर फिलहाल बहुत ही अच्छी लैंडिंग हुई है मेरी, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी है यार बूस्ट के साथ, तो चलो यार यहाँ पर फिलहाल फटाफट से जंप लगा देते हैं ऊपर से। तो चलो गाइस यार जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फिलहाल दूसरी बार यहाँ पर मैंने बूस्ट के साथ यहाँ पर जंप लगाने वाला हूँ। 538 किलोमीटर की स्पीड से मैं आया तो था, लेकिन गाइस यार लास्ट में आकर थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाड़ी जो अभी भी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा मस्त गिरने वाली है। ओके तो भाई साहब क्या ही लैंडिंग हुई है। तो गाइस यार जो लैंडिंग हुई है वो दोबारा से बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हुई है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर फिलहाल लैंडिंग तो अपन लोगों को समझ में आ गई, रैंप से भी अच्छा कर पा रही है ये गाड़ी। तो गाइस यार अभी बारी है इस वाली गाड़ी का यार एयरपोर्ट पर इसका स्पीड टेस्ट करने की। तो चलो गाइस यार अभी फिलहाल जल्दी से इस वाली गाड़ी को मैं लेकर चलता हूँ एयरपोर्ट के लिए बिना टाइम वेस्ट की वजह से। तो गाइस यार आप देख पा रहे हो मेज बैंक की बिल्डिंग यार कितनी ज़्यादा पीछे है, और जो मेरी जंप थी यार वो कितनी ज़्यादा तगड़ी थी, तभी तो यार इतनी आगे तक मैं आ गया। बाकी तो यार वो सब छोड़ो, सबसे पहले निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे तो यार ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी मैं पहुँचने वाला हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फिलहाल तो यार एयरपोर्ट में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से यार इस वाले छोटे वाले रैंप से जंप करा देते हो। और गाइस आप लोग अपनी गाड़ी देख पा रहे हो, ओ भाई साहब क्या ही सिनेमैटिक व्यू में यार, क्या ही तगड़ी लग रही है अपनी गाड़ी। बाकी तो गाइस यार ये सब छोड़ो, सबसे पहले यार स्पीड टेस्ट करना अपन लोग इसका स्टार्ट करते हैं। बाकी तो यार क्या जंप लगाई है। तो गाइस यार यहाँ पर फिलहाल इतनी तगड़ी तगड़ी जंप्स के बाद अब गाइस यार बारी आ चुकी है इस वाली गाड़ी का यार स्पीड टेस्ट करने की। और इसका स्पीड टेस्ट करने के लिए अपन लोग यार लॉस सैंटोस एयरपोर्ट, जहाँ के रनवे पर होगा इसका स्पीड टेस्ट। तो चलो यार यहाँ पर फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं पूरी तरीके से एकदम बड़े तरीके से इस वाले रनवे पर रख लेता हूँ, और गाइस यार उसके बाद फुल स्पीड में भगाएंगे और देखते हैं क्या कमाल कर पाती है अपनी गाड़ी। तो चलो गाइस यहाँ पर फिलहाल फटाफट से मैं फुल स्पीड में भगाता हूँ। और गाइस यार सबसे पहले अपन लोग हल्का सा बूस्ट देकर ट्राई करने वाले हैं, वैसे हल्का सा क्या यार पूरा ही बूस्ट देते हैं। तो यहाँ पर 538 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पर टच करी है अपनी गाड़ी ने। और गाइस यार आप लोग देख पा रहे हो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ठुकने के बाद यार गाड़ी का एक खरोच तलक नहीं आई, शीशा तलक नहीं टूटा गाइस यार यहाँ पर। फिलहाल तो यार ये था हमारा बूस्ट टेस्ट, अब गाइस यार यहाँ पर बारी है विदाउट बूस्ट की। तो चलो गाइस यहाँ पर फिलहाल विदाउट बूस्ट में सोच रहा था, तो चलो यार फिलहाल यहाँ पर विदाउट बूस्ट में सोच रहा था, बट गाइस यहाँ पर फिलहाल बिना बूस्ट ही मैं कर रहा हूँ। और हल्का सा यार बूस्ट दिया मैंने शुरू में ताकि यार थोड़ी अच्छी स्पीड पकड़ सके, तो गाइस यहाँ पर थोड़ा मज़ा आया। और गाइस आप लोग देख पा रहे हो क्या ही तगड़ी ड्रिफ्ट मार रही है यार, ये चूहे जैसी लग रही है गाड़ी यार लिटरली। मैं अगर आप लोग सिनेमैटिक व्यू में देखोगे, एक मिनट यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ सिनेमैटिक व्यू में, देखो गाइस यार ये गाड़ी बिल्कुल चूहे जैसी लग रही है। भाई साहब ये क्या चूहाई चल रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है यार कोई रिमोट कंट्रोल कार चला रहा है। बाकी तो यार बहुत ही ज़्यादा छोटी है ये वाली गाड़ी। तो चलो यार इस वाली गाड़ी को अपन लोग लेकर चलते हैं यार सीधा यहाँ पर माउंट चिलियार्ड के लिए, और वहाँ पर यार इस गाड़ी का होने वाला है रियल
रियल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो चलो गाइस यार माउंट चिल्याड, तो गाइस यार यहाँ पर फिलहाल अपनी गाड़ी को भगाते मैं फिलहाल माउंट चिल्याड पर पहुँचने वाला हूँ, और पहुँचने वाले क्या जस्ट उसके पहुँचने वाला हूँ। और गाइस यार ये जो गाड़ी है फिलहाल तो यार ये ऑफ रोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, और लिटरली मैं गाइस यार इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा सही है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर फिलहाल जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ। और ये गाड़ी यार बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, मतलब कि गाइस यार ये जो गाड़ी है इसकी जो कीमत थी ओनली $10,000 थी, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा कम है यार लिटरली में $10,000। आप लोग यार गूगल पर भी चेक कर सकते हो इस वाली गाड़ी की यार जो कीमत है, प्राइस है वो $10,000 है। ये जो गाड़ी है यार बैनी ने मुझे दी है। तो चलो यार यहाँ पर फिलहाल बिना किसी दिक्कत के मैं इस वाली गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ ऊपर की साइड, अपनी ट्विजी को लेकर आ चुका हूँ मैं ऊपर की साइड। और गाइस यहाँ पर से फिलहाल जल्दी से अपन लोग आ चुके हैं फाइनली। तो चलो यार यहाँ पर फिलहाल अब होने वाला है इसका तगड़ा वाला ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, और साथ में यार ड्यूरेबिलिटी छोड़ो यहाँ पर होने वाला है इसका बुलेट प्रूफ टेस्ट। तो चलो यार यहाँ पर फिलहाल हम बुलेट वगैरह नहीं मारेंगे, यहाँ पर से यार जंप लगवा कर देखेंगे कि क्या ये गाड़ी कितनी ज़्यादा चोटें सह सकती है। और गाइस यहाँ पर फिलहाल माइकल की जान को यहाँ पर खतरा भी हो सकता है अगर इस गाड़ी ने इतनी ज़्यादा चोटें नहीं सही, बट यार मुझे विश्वास है इन रेनॉल्ड और ट्विजी वालों पर कि यार ये कुछ तो कमाल करके दिखाएंगे। बाकी तो यार एक सेकंड, तुमने यार ये चीज़ नोटिस करी? एक मिनट यार तुम्हें मैं दिखाता हूँ। देखो गाइस यार ये जो टायर है इसके हेल्प से मैं पत्थर कितनी इजली क्रश कर पा रहा हूँ। बाकी तो यार वो सब छोड़ो पत्थर वगैरह, सबसे पहले तो यार अपन लोग जंप लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। बाकी तो यार क्या ही खतरनाक तरीके से मैं पत्थर क्रश पा रहा हूँ, एक्चुअली मैं यार छोटे पत्थर क्रश कर पा रहा है ये। तो बाकी तो यार वो सब पत्थर वगैरह छोड़ो, यहाँ से यार जंप लेते हैं तगड़ी सी। तो चलो गाइस यार पर 3, 2, 1 लॉन्च कर देते हैं अपनी गाड़ी को फटाफट से। एक मिनट यार थोड़ा बड़े तरीके से खड़ी कर लेता हूँ मैं। ओके तो फाइनली अब यार गाड़ी को लॉन्च करने का टाइम आ चुका है। तो चलो गाइस यार 3, 2, 1 लॉन्च करते हैं। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर यार काफ़ी ज़्यादा तगड़े लॉन्च के बाद अपनी जो गाड़ी है यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है। और भाई साहब क्या ही यार इसने अपने आप को बैलेंस किया है, और क्या ही यार जंप लगी है। चलो गाइस यार कोई दिक्कत ही बात नहीं, लास्ट में मामला ख़राब हो गया तो हो गया, वरना तो यार जो लैंडिंग थी वहाँ से जंप करने के बाद वो तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम थी। तो चलो गाइस यार पर फिलहाल अपनी जो गाड़ी है इसके यार हमने बहुत सारे टेस्ट कर लिए हैं एक्चुअली में यार। यहाँ पर सबसे पहले हमने किया इसका मेगा रैम से टेस्ट, उसके बाद किया यार इसका स्पीड टेस्ट, और फाइनली गाइस यहाँ पर फिलहाल कर लिया हमने मेज़ यहाँ पर क्या ही बोलूँ यार ये जो माउंट चिल्याड है यहाँ से तगड़ी जंप लेने वाला टेस्ट। पता नहीं गाइस यार इसको क्या बोल सकते हैं, बट यार जो भी कहो ये जो गाड़ी है यार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। तो गाइस यार यहाँ पर फिलहाल अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस यार इस वाले चैनल पर अपन लोग यार ऐसे कुछ खतरनाक GD5 मॉड्स की वीडियोस लाते रहते हैं, तो गाइस यार इसलिए इस वाले चैनल को तो जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और बाकी तो यार ये जो कुत्ता है ये शायद से उस वाली लेडी का है, बट यार ये कुत्ते को पीछे छोड़ कर चली गई, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल तो गाइस यार इस वाली वीडियो में इतना ही। ये वाली गाड़ी यार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई पर्सनली, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। तो चलो यार फिलहाल मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं यार क्या ही खतरनाक GD5 का मॉड लाते हैं अपन लोग। लेकिन गाइस यार नेक्स्ट वाली जो वीडियो आने वाली है मॉड्स की वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, बस यार तुम लोग सब्सक्राइब करके यार इंतज़ार करो, क्योंकि यार लिटरली में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो आने वाली है। तो चलो गाइस यार फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे कुछ मज़ेदार GD5 मॉड्स की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गाइस यार बाय बाय।